Sir, fluctuation. समझ में नहीं आ रहा है. What does the graph say? Stocks are going up. Stocks are going down. Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 23rd September 2019 मंडे है. सुबह के 7:59 हो रहे. नया वीक शुरू हो रहा है. पहला ट्रेडिंग सेशन है. फ्राइडे को हमने देखा भारतीय बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. 10 साल में सबसे ज्यादा तेजी एक ही दिन में हमें कल यानी फ्राइडे को दिखाई दी. करीब करीब 600 पॉइंट्स की वो तेजी थी. तो फ्राइडे को जैसे ही निर्मला सीतारमण जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की और कॉरपोरेट टैक्स को घटाने की बात कही, तो उसके बाद जो भारतीय बाजार थे उसमें जबरदस्त एक अपसाइड रैली हमने देखने को मिली. जो कंसोलिडेशन फेज था, जो बॉटम बन रहा था, वो सबको ब्रेक करके 600 पॉइंट्स की एक मूव देखने को मिली. तो अभी एक कॉरपोरेट टैक्स कम करने से क्या डिमांड जो कम हो गई है वो फिर से बढ़ेगी, क्या कंजप्शन बढ़ेगा? अभी ये जो कॉरपोरेट टैक्स कम कर दिया है उससे कंपनीज को और भी प्रोडक्ट अच्छा और कॉस्ट कटिंग करने में काफी आसानी होगी. उससे प्रोडक्ट काफी असरदार बनेगा और ऑफर्स जो है कंज्यूमर्स को लुभाने के लिए वो और भी कंपनीज के तरफ से आती हुई हमें दिखाई दे सकती है. तो ओवरऑल इस कॉरपोरेट टैक्स से तो अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कंपनीज को काफी फायदा होगा और वो अच्छे प्रोडक्ट्स और बाजार में ला सकती है. अभी डिमांड क्रिएट होता है या नहीं ये देखने वाली बात होगी. कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी काफी जोरदार भाषण किया यूएस में. तो एनर्जी सेक्टर में काफी जो डिमांड है वही बाकी के सेक्टर्स में भी कैसे आएगी वो अभी देखने लायक बात होगी. तो ये जो मूव है 10 साल में अभी फर्स्ट टाइम आया है. तो लास्ट ईयर 2009 में आया था. तभी क्या हुआ था, तभी की क्या सिचुएशन थी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे. लेकिन सबसे पहले जो फ्राइडे का एनालिसिस था हमारा उसका एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये पिक्चर है 20th September का यानी फ्राइडे का. जैसे कि हमारा प्लान था उस दिन का, अगर आपने हमारा वीडियो देखा है फ्राइडे का, अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. तो ब्रेकआउट लेवल हमारा तभी बन रहा था 10,716 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 10,670. तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 10 मिनट का चार्ट है. ये इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड का डेटा, ये फ्राइडे का डेटा हमें कैंडलस्टिक का प्रेजेंट कर रहा है. तो ये ओपन ही हुआ हमारा फर्स्ट टारगेट के ऊपर. तो यहाँ पर शुरू में तो कोई ट्रेड नहीं बनता और जैसे ये नीचे आने के बाद इसने फिर से एक बार ब्रेक कर दिया. तो इसने हमारा ये जो फर्स्ट टारगेट है 10,740 का ये भी अचीव किया और सेकेंड टारगेट 10,756 का भी अचीव किया. और इसके बाद तो जबरदस्त रैली हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली. तो इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 26,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. चलते हैं ग्लोबल मार्केट के भी हालात देख लेते हैं. फ्राइडे को डाउ जोन्स और नासडैक में तो प्रेशर दिखाई दिया था, लाल निशान में बंद हुए थे. और यूरोपियन मार्केट देखे तो लंदन मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर था, हालांकि जर्मन और फ्रांस मार्केट में हल्की सी बढ़त देखने को मिली. आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो जापानीज इंडेक्स पॉजिटिव नोट के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट में थोड़ा सा निगेटिवनेस देखने को मिल रहा है. डाउ फ्यूचर की बात करें तो 108 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है और एसजीएक्स निफ्टी 118 पॉइंट के बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल अभी एशियाई मार्केट में देखें तो जापानीज मार्केट और ये सिंगापुर मार्केट में तेजी दिखाई दे रही है, हालांकि चाइना मार्केट में टोटल रिवर्स ट्रेंड देखने को मिल रहा है अभी फिलहाल. तो आज निफ्टी में क्या हो सकता है, कहाँ पे इंट्राडे लेवल्स हो सकती है, आज ट्रेड करना चाहिए या लॉन्ग पोजिशन ही बनाना चाहिए, इंट्राडे करना चाहिए, ये आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पर लेवल्स आ रहे हैं. उसके लिए निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं. ये है निफ्टी इंडेक्स का डेली चार्ट. ये जो मूव है 600 पॉइंट्स का मूव, ये 10 साल में फर्स्ट टाइम ऐसा ये कैंडल बना है इतना लंबा. तो ये पिवट बार रिवर्सल भी कैंडलस्टिक है. ये पिवट बार रिवर्सल यानी क्या, अगर मैं इसे बार चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो और क्लियर हो जाएगा. जो डाउनफॉल में जब भी बियरिश कैंडलस्टिक के बाद ऐसा ग्रीन कैंडल बनता है और उसका हाई लो और क्लोज प्रीवियस कैंडल के हाई लो और क्लोज से ऊपर होता है, तभी इसे पिवट बार रिवर्सल बार कहा जाता है. तो अभी फिलहाल यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न बन गया है.
और यहाँ पर इसने 50% का ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल था 11,370 ये एग्जैक्टली इसने अचीव किया और यहाँ पर 100 ईएमए यानी तीनों लॉन्ग टर्म मिड टर्म और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आके ये क्लोज हुआ है। ये जो टारगेट्स थे ये हमने फ्राइडे को हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर हमने यहाँ पर प्लॉट करके अराउंड 11:35 AM को यहाँ पर एक पिक अपलोड किया था। तो अभी तक अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं है तो प्लीज यहाँ से आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर 11:35 के अराउंड ये टारगेट जो थे ये यहाँ पर प्लॉट करके हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया था। तो ये जो कैंडलस्टिक बनी है 10 साल पहले यानी 2009 में ये जब भी यूपीए का गवर्नमेंट फिर से फॉर्म हुआ था 2009 के मई मंथ में जब भी रिजल्ट्स आए थे लोकसभा इलेक्शन के तभी यहाँ पर हमें ऐसा कैंडल दिखाई दिया था। तो तभी सिचुएशन क्या था इसके ऊपर भी एक बार नजर डालेंगे चार्ट पैटर्न के थ्रू। ये देखिए ये है 18 मई 2009 का ये कैंडलस्टिक जहां पर ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का हमें एक ही दिन में जम देखने को मिला था। तभी सिनेरियो क्या था जो 2008 का जो ग्लोबल यानी दुनिया में पूरी मंदी छाई हुई थी तभी ये डाउनफॉल था 2008 का और उसके बाद ये रिकवर करने की कोशिश कर रहा था और जैसे कि लोकसभा के इलेक्शंस थे तभी यूपीए गवर्नमेंट को फिर से चांस मिला कि दोबारा गवर्नमेंट बने। तो जब रिजल्ट का दिन था तभी हमें ये 600 पॉइंट्स का जंप एक ही दिन में देखने को मिला था। तो तभी रिसेशन के बाद रिकवर कर रहा था मार्केट और गवर्नमेंट भी फिर से एक बार सत्ता में आ गई थी तो इसके बाद हमें ये अपसाइड मूव देखने को मिला था। हालांकि ये जो कैंडलस्टिक बना 600 पॉइंट्स का उसके बाद कुछ यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चल रहा था 4-5 दिन और उसके बाद फिर से इसने ये अपसाइड रैली कंटिन्यू किया था। और अभी आप देख सकते हैं निफ्टी इंडेक्स ऑलमोस्ट 11,274 के पास पहुंच गया है। अभी 10 साल बाद ये जो सिचुएशन था 600 पॉइंट्स का एक ही दिन में जंप ये फिर से यहाँ पर हमें एक दिन देखने को मिल रहा है यानी हिस्ट्री रिपीट हुआ है। तो अभी आज यहाँ पर हो सकता है जो फ्राइडे को यहाँ पर ये जो जर्नी है इसमें पार्टिसिपेट ना कर पाए वो फ्राइडे सैटरडे संडे इसमें अपना जो पैसा है वो ट्रेडिंग अकाउंट में डाल के आज ये जर्नी में पार्टिसिपेट होने की कोशिश करे तो यहाँ पर हो सकता है और भी थोड़ा अपसाइड मूव हमें दिखाई दे। तो यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 11,543 अगर ये 50% का ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है 11,370 को कंफर्टेबली ब्रेक करता है इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 11,543। ये डेली चार्ट है वीकली चार्ट में एक बार हम लोग क्या सिनारियो है वो देख लेते हैं। ये वीकली चार्ट है वीकली चार्ट में जैसे कि आप देख रहे हैं लास्ट कई सारे वीक्स है यहाँ पर 50 और 100 ईएमए के बीच में ये ट्रेड हो रहा था रेंज बाउंड ट्रेडिंग चल रहा था। तो यहाँ पर ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा था जैसे इसने पास्ट में यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया 100 ईएमए का ये जो ग्रे लाइन है यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिया है तो फिर से यहाँ पर इसने 100 ईएमए को रिस्पेक्ट किया है। अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो लास्ट कुछ पास्ट वीडियोज में हमने यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को जो पैटर्न है ट्रेंड रिवर्सल का बुलिश ट्रेंड रिवर्सल का ये हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था। ये है लेफ्ट शोल्डर ये है हेड और ये है राइट शोल्डर तो अभी इसके नेक लाइन का भी ब्रेकआउट मिल गया है ठीक है। और ये आरएसआई में फॉर्म हुआ है तो यहाँ पर प्राइस एक्शन में भी ये फॉर्म हो चुका है तो इसके ये नेक लाइन जो यहाँ पर बनेगा इसका भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो अभी यहाँ पर ये वीकली चार्ट में फॉर्म हुआ है लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में तो चांसेस है कि यहाँ से और भी अपसाइड मूव हमें दिखाई सके लेकिन ये जो हर्डल्स है एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के रेशोज है इनको एक एक करके अगर ये ब्रेक करता है तो हमें ऊपर 61.8% का ये भी लेवल अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी एग्जैक्ट इसने ये जो 20 ईएमए था ये वीकली चार्ट में इसी के पास इसने क्लोज दिया ये 20 ईएमए 11,261 के पास है और क्लोज हुआ है 11,274 के पास तो मूविंग एवरेजेस काफी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं एज पर टेक्निकल व्यू टेक्निकल पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर वीकली चार्ट में टोटली अभी ये
शॉर्ट टर्म मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज हो चुका है। अभी इस वीक में भी इसके ऊपर ये सस्टेन होना बहुत जरूरी है, तो यहाँ से और भी टूवर्ड्स अपसाइड रैली हमें देखने को मिल सकता है। और निफ्टी के डेली चार्ट में ये तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर यहाँ पर क्लोज हो चुका है, लेकिन जो सेटअप बनना चाहिए अपसाइड मूवमेंट के लिए मूविंग एवरेजेस का, वो 20, 50, 100 ये असेंडिंग ऑर्डर्स में होने चाहिए और उसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई देना चाहिए। अभी फिलहाल सिनेरियो ऐसा है कि ये तीनों डिसेंडिंग ऑर्डर्स में है और उसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है, तो हो सकता है अभी ये जो फ्राइडे का ये जो जंप आया तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। सो लॉन्ग जाते वक्त थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक थोड़ा बॉटम मिलता है, एक थोड़ा सा डाउनफॉल मिलता है, तो वहां पर एंटर करना काफी अच्छा होगा। आज जैसे कि एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट्स के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है ये भी यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट शुरू हो और फिर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे। सो बी अलर्ट रहिए, कॉशियस रहिए ट्रेड करते वक्त। तो आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं ये आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए 60 मिनट का चार्ट हमें देखना पड़ेगा। ये 60 मिनट का चार्ट, तो ये जो लास्ट बियरिश कैंडलस्टिक है अगर आप देखें तो इसका ये ऊपर काफी बड़ा टेल छोड़ दिया है इस कैंडलस्टिक ने। तो इस कैंडलस्टिक का ये अगर ऊपर में ये हाई 11,383 का हाई अगर कंफर्टेबली ब्रेक करता है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा एक क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा 11,424, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर टुवर्ड साउथ की तरफ अगर ये मूव करता है तो इसका लो, ये बेयरिश कैंडलस्टिक का अगर लो ब्रेक करता है यानी 11,238 को अगर ये ब्रेक करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 11,205, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 11,182, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।